नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। बंसल टोल प्लाजा सुहागी के मैनेजर उमेश मिश्रा के गुंडई सौहे आई है। मैनेजर के द्वारा कर्मचारी बाध्यदेव पटेल पिता राम खिलावन पटेल उम्र 22 साल का प्रताड़ित किन जात है। उनका बांध के और कर्मचारी के सौहे बेरहमी से पीटा जात लाग है। जेका देख के अपना अनुमान लगा सकी थे कि कौन मेर के छोट कर्मचारी के कंपनी शोषण कर रही है। सर, इस वाली टोपे का एक वीडियो वायरल हुआ है और ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसको थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है, तथ्यों के संबंध में जांच करेंगे। प्रदेश में यदि ना जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी अब जनता के शिकायत का न सुन के भाजपा नेता के गुलाम हो गए। हम अपन जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। जिला प्रशासन सीधी की ओर से पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल के द्वारा मुख्यमंत्री का ज्ञापन सौंपा गया है। सिहावल विधानसभा के समस्या का लेके विधायक धरना में बैठे हम आई अपना को सुनाए थे। धरना में बैठे विधायक कमलेश्वर पटेल का कहन है, बहरी तहसील, सिहावल तहसील, देवप्रत तहसील में सबसे कम बारिश हुई और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और हमने मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले पत्र लिखा था, कलेक्टर से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये आज का आंदोलन की तरफ रुख अख्तियार करना पड़ा है। बहरी तहसील में भारी भ्रष्टाचार है। तहसीलदार के द्वारा खुल्लम खुल्ला लूट खसोट जारी है। भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की बजाय संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। बहरी तहसीलदार को तत्काल हटाया जाए। अघोषित बिजली कटौती जो चल रही है, ट्रांसफार्मर जो जले हुए, तार टूटा हुआ है, केबल जली हुई है, खंबा टूटा हुआ है, मेंटेनेंस का काम बराबर नहीं हो रहा है। ये सारे काम जब तक नहीं होते हैं, विषय बहुत सारे हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है, ज्वलंत मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेके हमने कलेक्टर साहब को पहले भी हमने मेल के थ्रू जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि इन विषयों को लेके आंदोलन हम करने जा रहे हैं। पर जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जवाब आना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी हम यहाँ खंजनी बजाने के लिए तो नहीं बैठे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिला में जेपी सीमेंट के द्वारा अवैध कब्जा करे के मामला पुनः के सौहे आवा है। बतावा जात है कि राजकुमारी मिश्रा नौबस्ता के रहाई वाली आई जौन के विधवा औरत हैं। पीड़ित के जमीन में जेपी सीमेंट कब्जा करे हबे, जेकर याचिका पीड़ित हाई कोर्ट में लगाइन आदेश आवा के 60 दिना के भीतर पीड़ित के जमीन खाली कर दें। अबे तक जेपी सीमेंट न जमीन खाली करीन और न मुआवजा दीन। मेरा नाम राजकुमारी मिश्रा है, मैं एक विधवा औरत हूँ। जबलपुर हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर की थी, वहाँ से रीवा कलेक्टर को आदेश हुआ कि 60 दिन के अंदर इनकी ज़मीन खाली कराई जाए। ना आज तक ज़मीन खाली की गई, ना उसका कोई मुआवजा नुकसान दिया गया। जेपी सीमेंट के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं है, मैं कागज लेके दर दर भटक। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया में बच्चन के रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावे के उद्देश्य से स्वर्ण प्राशन शिविर के आयोजन भा। यह शिविर हर महीना के पुष्य नक्षत्र के दिन लगावा जात है और यह शिविर निःशुल्क लगावा जात है, जेमा नवजात और 1 से 5 साल के बच्चन का स्वर्ण प्राशन पियावा जात है। आई अपना को सुनाए थे बाल्य शिशु रोग विभाग के डॉक्टर कौमार भृत यह स्वर्ण प्राशन की का जानकारी दीन हवा। आज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन लगाया जाता है और ये निःशुल्क 1 से 5 साल तक के बच्चों को ये स्वर्ण प्राशन पिलाया जाता है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, साथ ही साथ ये बच्चों का जो IQ लेवल है उसको भी बढ़ाता है। बच्चे जो है स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है
हेल्थ अच्छा रहेगा, साथ ही साथ उनकी उनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। आयुर्वेद में स्वर्ण को जो है श्रेष्ठ बुद्धि कारक माना गया, और स्वर्ण प्राशन के लिए बोला गया है कि आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्ण्यम ग्रहापम मासात परम मेधावी व्याधिर्न घिष्यते सर्वीमा से शुद्ध स्वर्ण प्राशनाद हो। अर्थात यदि ये 6 मास तक बच्चों को लगातार पिलाया जाता है तो ऐसे स्वर्ण प्राशन के पश्चात जो बच्चे होते हैं वो सुनी हुई बातों को भी हमेशा अपनी पूरी जिंदगी याद रखते हैं, ऐसा माना जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई रीवा के नगर मंत्री कर्षदेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर का ज्ञापन दिन गा है। ज्ञापन सौंपत समय कहा गया कि जो छात्र के मांग जल्दी पूरी न हुई था विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करे का बाध्य हुई। मांग हवे के विद्यार्थी के हित में सरकार सगली कानूनी अड़चन का दूर करके MPPSC में रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया का आगे बढ़ावा जाए। आई सुनाई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई रीवा के नगर मंत्री कर्षदेश तिवारी का कहन। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई द्वारा प्रदेश के आपकी ज्ञापन तक हुआ है MPPSC की जो परीक्षाएं हो गई हैं उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, उनकी भर्ती के लिए और जो अभी परीक्षाएं नहीं हो पा रही ये बताओ, और उनके लिए अगर हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, अगर कलेक्टर महोदय से यह भी कहा गया कि अगर इन जो ज्ञापन जो विषयों पर ज्ञापन सौंपे गए इन पर अगर शीघ्र ही कोई निराकरण नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद पूर्ण आंदोलन के लिए बाध्य होगा और सरकार से भी बड़े आंदोलन की मांग। आज खातिर इतना बघेली माँ बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।